ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों ओम गणपति समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के वृश्चिक राशि फल के बारे में कि आज के दिन वृश्चिक राशि वालों को किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और किन किन चीजों से इनको फायदा होगा, इनका बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा, इनका कैरियर और घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे और आपको एक उपाय भी बताएंगे जिससे आपका दिन और भी बेहतर और अच्छा हो सके। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक नई-नई वीडियो समय-समय पर पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन। पहले बात कर लेते हैं आपके लिए आज क्या पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों आपकी इच्छा शक्ति को प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि आप बहुत पेचीदा हालातों से निकलने में कामयाब रहेंगे। कोई भी भावुक फैसला लेते वक्त अपनी तार्किकता को न छोड़ें। जी हां दोस्तों आज बिना किसी की मदद के भी आप धन कमा पाने में सक्षम रहेंगे। ऐसे काम करें जिनसे आपको खुशी मिले, लेकिन दोस्तों दूसरों के मामले में दखलंदाजी से बचें। आपकी शोहरत बढ़ेगी और आप आसानी से दूसरे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। दोस्तों आप में बहुत कुछ हासिल कर पाने की विशेष क्षमता है, इसीलिए अपने रास्ते में आने वाले सभी मौकों को झट से दबोच लें। दिन की शुरुआत भले ही थोड़ी थकाऊ रहे, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपको अच्छे फल मिलने लगेंगे और दिन के अंत में आपको अपने लिए समय मिल पाएगा और आप किसी करीबी से मुलाकात करके इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में निजता का ध्यान रखना भी आवश्यक है, लेकिन आज आप दोनों ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के करीब जाना चाहेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी नेगेटिव बातों के बारे में। आज आपको अपने विरोधियों से सावधान रहना होगा। विरोधी पक्ष आपको हानि पहुंचा सकता है। अधिक दूरी की यात्राओं से भी आज शारीरिक और मानसिक थकान हो सकती है। आज चल अचल संपत्ति की प्राप्ति के प्रयासों में कुछ बाधा उत्पन्न हो सकती है। आज कामकाज की अधिकता का बोझ भी आप पर रहेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय की। अगर आपके व्यवसाय की बात की जाए तो व्यवसाय के बारे में आज कोई चिंता करने की बात नहीं है। व्यवसाय में अधिक लाभ होगा और धन प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। कई प्रकार की खुशियां मिलेंगी और तमाम प्रकार के लाभ होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए मेहनत और परिश्रम भरा समय रहेगा। विद्यार्थियों का समय विद्या अध्ययन में बीतेगा, परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की। यदि उन रिश्तों की बात करें जो अलग से हैं और काफी समय से कोई बातचीत नहीं हो पाई है, तो उन रिश्तों को भूल जाना ही बेहतर है। अपने जीवन में आगे बढ़ें, जल्दी कोई नया जीवन साथी आपके जीवन में आएगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां रहेंगी, जीवन साथी का भरपूर सहयोग और प्यार आपको मिलेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके घर परिवार के बारे में। दोस्तों घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। परिवार में किसी के रिश्ते की बात हो सकती है, साथ ही कुछ नए रिश्तों की शुरुआत भी हो सकती है। जीवन साथी से संबंध मधुर रहेंगे, किसी नए मित्र से मुलाकात होगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, बच्चे आज्ञाकारी रहेंगे। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का सम्मान करें। दोस्तों बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। आज स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं जैसे सर दर्द या मानसिक थकान उत्पन्न हो सकती है। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए नियमित योग करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें और स्वस्थ रहें। दोस्तों आज आप ये उपाय अवश्य करें, शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें और साथ ही गरीबों को खाना खिलाएं या वस्त्र दान करें। साथ ही इस मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होंगी। दोस्तों आपको भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो कमेंट में जय शिव अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।